मवाज प्रीमियर लीग का शानदार आगाज, MPL का इफ्तिताह मुमताज, कारोबारी शख्सियत परवेज अहमद ने किया। मवाज गोट गनी स्पोर्ट्स गिरवानन में पहुंचने पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, खिलाड़ियों और तमाशियों की जानिब से परवेज अहमद का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मेहमान खास के साथ समाजी और कारोबारी शख्सियात भी हमरा थे। प्रोग्राम का आगाज कौमी तराने से किया गया। बाद अज़ां मुकर्ररीन ने खिताब में बड़े बड़े दावे और वादे भी किए, जिससे रंग बिरंगी कैट्स में मिलबूस खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई। खिताब करने वालों में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बशीर बलोच, नदीम खासखेली, मौला बख्श खुसू, परवेज अहमद शामिल थे। परवेज अहमद ने गेंद को हेड करके MPL का बाकायदा आगाज किया। बाद अज़ां मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, मैंने लियाकत भाई से भी बात की, कादर भाई से भी बात की, क्योंकि मौज कोट का ये कदीमी ग्राउंड है। हम चाहते हैं कि इस ग्राउंड को हम इंशाल्लाह ग्रासिंग करें। खासकर अली भाई है, आमिर भाई है और बाकी अगर दोस्तों के मैं नाम नहीं जानता हूँ, तो उन्होंने एक बेहतरीन यहाँ पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए टेनिस के टूर्नामेंट में, माशाल्लाह बेहतरीन, यानी एक हार्ड बॉल की क्या शक्ल अख्तियार कर चुकी है। और इस बारे में तो इंशाल्लाह बात भी हो चुकी है लियाकत भाई से भी, परवेज भाई से भी, ठीक है। तो बहुत ही जल्द हम कोशिश करेंगे कि इस ग्राउंड को सजाया जाए और ग्रासिंग की जाए इसको, और जो है इंशाल्लाह जितना ताउन हो सकेगा हम करेंगे। इसका क्रेडिट जाता है परवेज दोदा साहब को, जो हमारे इलाके में हमारे बच्चों के बीच में आए हैं और उन्होंने वादा किया है कि मैं ये ग्राउंड भी बना के दूंगा, इवेंट भी चालू किया है और बड़े इवेंट हो इधर होया करेंगे। हमें इससे ज़्यादा और क्या खुशी।